हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 7 स्टार हैशटैग में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर फिट के बारे में कि स्क्वायर फिट क्या होता है, स्क्वायर फिट को कैसे बनाया जाता है और स्क्वायर फिट बनाने के लिए कौन कौन से रूल को फॉलो किया जाता है। तो सारी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं कि स्क्वायर फिट के रूल क्या होते हैं। जब भी हम किसी भी शीशे की दुकान पर जाते हैं क्लास वगैरह खरीदने के लिए, तो वो किस रूल के अनुसार हमें क्या है शीशा बेचते हैं या किस हिसाब से वो स्क्वायर फिट बनाते हैं, ये इस वीडियो का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं। उनका एक रूल होता है कि 36 इंची जो है, 36 इंची से नीचे जो है 3 इंची की पैमाइश लगानी है और 36 इंची के जो बाद है वो 6 इंची की पैमाइश चलती है। तो इधर हमने जो है इंचेस लिख दिया है, ये इंचेस है और ये फिट है। तो हम बात करते हैं इस आपको जो है इंचेस या स्क्वायर फिट बनाने के लिए आपको जो है 3 का टेबल 36 तक याद होना बहुत जरूरी है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 36 तक होना पता होना चाहिए। जैसे कि 3 इंची हो गया, 6 इंची, 9, 12, 15, ऐसे करते करते 36 इंची तक होना चाहिए। इसी तरह हम अगर बात करते हैं इसको स्क्वायर फिट के बारे में, तो स्क्वायर फिट अगर हम 3 इंची का देखें तो 1.25 फिट होता है और 6 इंची का आधा फिट होता है, 9 इंची का 1.25 फिट होता है, 12 इंची का 1 फिट होता है। इसी तरह हम अगर 15 इंची का देखें तो 1.25 फिट होता है और 18 इंची का 1.5 फिट होता है, 21 इंची का 1.25 फिट होता है, 24 इंची का 2 फिट होता है। इसी तरह आगे बढ़ता जाता है फ्रेंड। तो ये जो है 36 इंची से नीचे जो है किसी ग्लास में जो 3 इंची की पैमाइश लगाई जाती है और 36 इंची के बाद जो है वो 6 इंची की पैमाइश चलती है। जैसे 42 इंची सीधा 48, 54, 60 ऐसे करके 36 इंची से ऊपर जैसे 42 इंची है तो 3.5 फिट में लगेगा। उसके बाद अगर 42 इंची के बाद अगर ये सूत भी आपका बढ़ जाता है, मान लीजिए 42 के बाद आपका 43 आता है, 44 आता है, 45, तो सीधा वो क्या है 48 में लग जाएगा। 48 के बाद अगर आपका 1 इंची बढ़ जाता है, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, जितना भी आपका बढ़ जाए वो सीधा 54 में लग जाए। यानी कि आपका चाहे 1 सूत बढ़े 48 इंची से या 2 सूत या 2 इंची या 3 इंची कितना भी बढ़े आपका, सीधा वो 6 इंची के पैमाइश में यानी कि सीधा वो 54 में चला जाएगा। अगर 54 इंची से 1 सूत ज्यादा हो गया और 60 इंची से 1 सूत कम है तो वो सीधा 60 पे लगेगा। तो इस तरह आपका जो है स्क्वायर फिट में इंचेस लगाया जाता है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ये फ्रेंड समझ लेते हैं कि स्क्वायर फिट कैसे बनता है और स्क्वायर फिट बनाने के लिए क्या क्या रूल होते हैं। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड इसकी जो लंबाई है 12 इंचेस है और इधर से 16 इंचेस है। अगर हम रियल में इसका स्क्वायर फिट बनाएं, जैसे कि कोई प्लाट वगैरह है रियल में जहाँ पे कोई भी रूल वगैरह नहीं लगता है, तो हम क्या करेंगे कि 12 इंचेस को 16 इंचेस से गुना कर देंगे और डिवाइड 144 कर देंगे। जब डिवाइड 144 करेंगे तो 192 / 144 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1.33 फीट। ये जो हमारा स्क्वायर फिट निकल के आया है ये रियल में एक्चुअली स्क्वायर फिट बनना चाहिए, वो स्क्वायर फिट बन के हमारे पास रेडी है। तो दूसरी बात अगर हम बात करें कि जब भी हम किसी शीशे वगैरह पे जाते हैं, तो अगर हम बात करें कि इसको स्क्वायर फिट कैसे बनाया जाता है, तो स्क्वायर फिट बनाने के लिए अगर हम देखें कि ये जो 12 इंचेस है, 12 इंचेस का होता है 1 फिट, तो 12 इंचेस पूरा ही है। जब हमने आपको बोला था कि 36 इंची से जो है नीचे होता है वो 3 इंची की पैमाइश लगती है, तो 3 इंची, उसके बाद 6 इंची, उसके बाद होता है 9 इंची, 9 इंची के बाद होता है 12 इंची। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा 12 इंची है, तो हम 12 इंची पूरा इसको उठा कर रख लेंगे। अगर 12 इंची से कम होता, 9 इंची से ज़्यादा होता, तब भी वो 12 इंची में आना चाहिए था। तो हमने क्या किया यहाँ पे 12 इंची रख लिए और 16 इंची, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि 16 इंची है। 16 इंची जो है 15 इंची से ऊपर है और 18 इंची से नीचे है। तो हमने बताया था कि 3-3 इंची की पैमाइश चलती है, तो 15 में 3 अगर जोड़ेंगे तो 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21। तो हमने आपको पहले एक टेबल बताया था, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको लगा लेना है। तो 16 इंची है यहाँ पे, तो 16 इंची को हम अगर उसमें 2 इंची और जोड़ देंगे तो 18 इंची हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे जो है 18 इंची डिवाइड 144 कर दिया। तो 216 डिवाइड 144 हमारा जो ये स्क्वायर फिट बन के आया है 1.5, यानी कि 1.5 फुट स्क्वायर फिट बन के आया है। उसके बाद हम अगर स्क्वायर फिट की बात करें, तो स्क्वायर फिट जो हमारा होता है 12 इंची का 1 फिट होता है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 18 इंची, यहाँ पे 16 इंची था, इसको हमने 18 इंची में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने देखा कि 18 इंची जो है 1.5 फिट होता है, तो 1 इंची को हमने जब 1.5 फिट से गुना किया तो आंसर हमारा 1.5 इंच की यानी कि 1.5 फुट आ गया। यहाँ पे हमारा सेम सीट हमारा नेक्स्ट साइज है 15 इंची 7 सूत है और दूसरा साइज है 17 इंची 7 सूत।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 15 इंची है, 15 इंची साफ सुथरा है, ये 18 इंची के बीच में आता है, और दूसरा 17 इंची जो साफ सुथरा है ये भी 18 इंची के बीच में आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 15 इंची है इसको भी 18 में ले लेंगे, और ये जो है ये जो 17 इंची साफ सुथरा यानी एक सूत कम है इसको भी 18 में ही आएगा। अगर एक सूत 18 पूरा 18 होता तो 18 में ले लेंगे, 18 इंची में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो आगे हम देखेंगे अगर रियल पूरा साइज देखें तो 15 इंची 700 गुना 17 इंची 700 147 से डिवाइड करेंगे तो 272.79 आ जाता है, और इसको 144 से डिवाइड करें, 144 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1.92 इसका रियल में आ जाता है। जब भी हम कोई प्लाट वगैरह लेते हैं रियल साइज देखें कि कितना स्क्वायर फुट बनता है तो ये इतना स्क्वायर फुट बनेगा। अब हम जब भी किसी स्क्वायर शीशे की शॉप पे जाते हैं शीशा वगैरह खरीद रहे तो वो क्या करते हैं कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 15 इंची था तो इसको 18 में कर लिया, 17 इंची 700 था तो इसको भी 18 में कर लिया, तो हमने 18 को 18 से जब मल्टीप्लाई किया तो 324 आ गया, 324 को हमने जब 144 से डिवाइड किया तो 2.5। अगर हम फ्रेंड बात करें स्क्वायर फिट की तो स्क्वायर फिट बनाने के लिए जो है हमारा यहाँ पे 18 इंची था तो 1.5 फुट होता है 18 इंची का, और यहाँ से भी 18 इंची का 1.5 फुट होता है, जब 1.5 फुट को 1.5 फुट से गुना करेंगे हम तो 2.25 जो हमारा आंसर है ये स्क्वायर फिट निकल के आ जाएगा, जो हमारा दोनों का सेम आ जाएगा। चलिए फ्रेंड तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ लेवल की। तो फोर्थ लेवल में क्या है फ्रेंड कि ये जो है 36 इंची 300 दिया गया है और इधर से 41 इंची दिया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी 36 इंची से नीचे हो वहां पे तो 3 इंची की पैमाइश लगती है, मगर अगर 36 इंची से ऊपर हो तो वहां पे 6 इंची की पैमाइश लगाई जाती है। तो 3 इंची से ये जो है 36 इंची 300 है तो यहाँ पे हमारा जो पैमाइश लगेगा 6 इंची का लगेगा, तो 36 में अगर हम 6 इंची जोड़ दें तो 36 में अगर हम 6 इंची जोड़े तो 42 इंची हो जाता है, और यहाँ पर जो है 41 इंची है तो ये 42 इंची से एक सूत कम है, ये 1 इंची कम है, तो इसको भी हम 42 इंची में ही कन्वर्ट करेंगे। अगर रियल में करेंगे तो दोनों को गुना करके 144 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10.33 स्क्वायर फीट निकल के आ जाएगा। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये जो है 44 ये जो है 42 इंची में लग जाएगा, ये भी 42 इंची में लग जाएगा, तो हमने 42 गुना 42 कर दिया इंटू, तो इसको अगर हमने इसका मल्टीप्लाई करके 144 से डिवाइड किया तो 12.25 स्क्वायर फीट हमारा आ जाएगा। दूसरी तरफ हम अगर स्क्वायर फीट के बारे में अगर स्क्वायर फीट की तरह देखें तो स्क्वायर फीट के जरिए से हमारा जो है 42 इंची 3.5 फुट होता है, और दूसरी तरफ से भी 42 इंची है तो वो भी 3.5 फुट हो जाएगा, 3.5 फुट को 3.5 फुट से जब हम गुना करेंगे तो 12.25 हमारा जो स्क्वायर फीट निकल के आएगा, ये जो दोनों सेम ही हमारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं जो है 54 इंची का होता है 4.5 फुट। अगर ये 54 इंची होता तो हम इसको पूरा 54 लगा लेते, मगर ये 53 इंची है तो इसको 54 में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ हम देखें तो 54 इंची 200 है, जब 54 इंची 200 है अगर 54 होता तो पूरा 54 में रख लेते, मगर ये 200 है तो इसमें हम 6 इंची की पैमाइश और जोड़ देंगे, 54 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 60 इंची हो जाता है, 53 में अगर 6 इंची जोड़ते हैं 48 में हम 6 इंची अगर जोड़ते हैं तो 54 इंची हो जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 54 इंची मल्टीप्लाई बाय 60 इंची, जब हम 54 इंची ये लिख लिया मल्टीप्लाई 60 इंची, जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो 44 से 22.5 यानी 22.5 फुट आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम स्क्वायर फिट में देखें तो स्क्वायर फिट में हमारा जो है आंसर निकल के आएगा 54 इंची 4.5 फुट होता है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 60 इंची जो होता है हमारा 5 फिट होता है, जब 4.5 फिट को हम 5 फिट से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है सेम निकल के आ जाएगा 22.5 फिट। आई होप कि हमारी वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली अपडेट आपको जल्दी ही मिल सके। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे ना देख के फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज 7स्टार हैशटैग को फॉलो कर लें।